guys, welcome to my channel Wanderlust Bond to Travel. My name is Himani and I'm back with another video, and this time I'm back with some super fun video. Yeah, it's quite a little different from my genre. Yes, if you are watching me for the very first time, let me tell you, I make videos related to travel, fashion and lifestyle, more about traveling because I just love traveling. And yeah, ये video जो है ये inspired by Sherri Shroff, who's my favorite YouTuber, जिसे देखकर ही मैंने YouTube channel बनाया था. So yeah, she did this thing like quite a while ago. That my first, and मैं अभी मुझे time मिला है, so I'm recording this video. My first and question जो है वो थोड़े अलग है first वाले. Yes, जो मैंने पहली मतलब वो पहली चीज़ या वो पहली बार मैंने कब किया था, कौन से ऐसे क्वेश्चन मैंने गूगल किए and I found some fun questions. Yeah, so yes, without any further ado, let's get started with this video. If you like this video, give me a big fat thumbs up and don't forget to subscribe to my channel. Now let's get started. Okay, so first app you check when you wake up. So first app has to be Instagram, because yes, Instagram is like quite famous and quite not famous. Yeah, and I love Instagram. So Facebook तो मैं बहुत कम देखती हूँ, like 2-3 दिन में एक बार check कर लेती हूँ, but Instagram is the first app which I check when I wake up. Yeah, and after that my mail. Yes. Next question is first foreign country you ever visited. So my questions are there, that's why I'm looking there, so sorry for that. Okay, so first foreign country you ever visited, that's USA, United States of America, जहाँ मैं last year गई थी. And oh my god, I can't even tell you guys कि वो trip कितना amazing था. So okay, अगर आपको मेरे US vlogs देखने हैं USA trip वाले, so you can check out, I will link in the description box. Okay, first Instagram Twitter post, so I'll post here or here somewhere because I'm recording this video on my phone, that's why I can't show it to you right now, but I will post here or here. And that was literally, मैं बता सकती हूँ, बहुत embarrassing post थी वो. Yeah, and मेरे नया मैंने फ़ोन लिया था HTC का, और उससे मैंने से सेल्फी ली थी एंड उसका कोलाज उलाज बना के पोस्ट किया था, समथिंग लाइक दैट. तो यू विल सी हियर. फर्स्ट मेकअप आइटम, सो आई स्टिल रिमेंबर, मैंने अपनी लाइफ में कभी भी मेकअप पे सिंगल पेनी स्पेंड नहीं की थी, बट व्हेन आई स्टार्टेड माय आरजे वाला जर्नी, लाइक मैं आरजे बनी एंड मेरा शो लॉन्च होने वाला था एंड एवरीथिंग वाज हैपनिंग, माय वन ऑफ कलीग टोल्ड मी दैट हिमानी यू हैज़ टू लाइक एटलीस्ट लिपस्टिक कुछ तो लगाया करो, मतलब चेहरे पे एक अलग सा ग्लो सा दिखता है, अच्छा दिखता है, जस्ट ट्राई. एंड आई स्पेंड माई फर्स्ट मनी ऑन मेकअप, दैट इज लैक्मे 9 to 5 लिपस्टिक, न्यूड वन, दैट राइट नाउ स्टिल आई एम वेयरिंग, बिकॉज ये मुझे इतनी पसंद है. उस टाइम पे अलग पैकेजिंग थी, अभी थोड़ी अलग है, बट या मेरा फर्स्ट मेकअप पे अगर कोई इन्वेस्टमेंट था, दैट वाज लैक्मे. यस. फर्स्ट प्लेन राइड, सो फर्स्ट टाइम मैंने जब प्लेन पे राइड लिया था, लाइक प्लेन पे मैंने ट्रैवल किया था, दैट वाज व्हेन आई वाज गोइंग गोवा विद माय ऑफिस स्टाफ, इट्स लाइक 4 years अगो. या, सो फर्स्ट टाइम मैं उस टाइम पे प्लेन पे बैठी थी. नाउ दिस इज लाइक फुल राइड. ओके, सो फर्स्ट टाइम यू वेंट शॉपिंग बाय योर ओन. ओ या वॉट या, शॉपिंग अब तो बहुत बार अकेले करती हूँ, बट फर्स्ट टाइम जब मैं गई थी, याद करना पड़ेगा यार, ऐसे बहुत बार मैं गई हूँ, बट फर्स्ट टाइम मैं कब गई थी, आई थिंक रायपुर में ही गई होंगी यार मैं, बिकॉज दिल्ली तो जाने से पहले मैं रायपुर में भी अकेले शॉपिंग करने लगी थी. रायपुर में आई गेस पंडरी मार्केट जो है कपड़ा मार्केट, वहाँ मैं गई हूँ एंड वहाँ मैंने शॉपिंग किया होगा. सो आई कांट रिमेम्बर द एग्जैक्ट थिंग, बट येस रायपुर ही होगा डेफिनेटली. माई फर्स्ट बॉय फ्रेंड. ओके, सो ये बड़ा ही फेमस हो गया. इंस्टाग्राम पे मैंने एक स्टोरी डाला था थोड़े दिन पहले कि क्या हुआ था मेरे साथ झोल झाल, मतलब मेरी लाइफ का सबसे फर्स्ट एम्बैरसिंग एंड बहुत ही बदमाशी भरा जो काम मैंने किया था, कि आई वेंट इन अ रिलेशनशिप लाइक 12th पास आउट, लाइक फर्स्ट ईयर, या यू कैन से फर्स्ट ईयर में कॉलेज के. एंड देन मैंने अपने पेरेंट्स को खुद ही बता दिया इमोशंस में आके कि आई वॉन्ट टू मैरी दिस गाय, आई लव हिम अ लॉट, एंड दे वर लाइक स्लैप स्लैप स्लैप, मतलब क्या कर रही हो तुम, व्हाट आर यू डूइंग. एंड झोल झाल हुए थे. अब आई डोंट वांट टू शेयर हिज नेम बिकॉज इट्स ओके यार, पास था, चला गया, अब सब अपनी अपनी लाइफ में मस्त है एंड सबके साथ ऐसा होता है. ओके, सो दैट वाज दैट. ओके, सो माय फर्स्ट सेलिब्रिटी क्रश. शाहिद कपूर. ओके सो लेट मी टेल यू, आई कांट इवन टेल यू मैंने क्या क्या किया है. शाहिद कपूर मेरा क्रश था एंड मैंने जो न्यूज़पेपर में जितनी भी शाहिद कपूर की फोटो आती थी आई यूज टू कट देम एंड यूज टू पोस्ट ऑन माई डायरी दैट कि ओ वाओ. फिर उसके बाद मैं उसे देखते रहती थी रात को सोने से पहले एंड आई वाज लाइक कि जैसे मेरे उससे शादी हो जाने वाली है. इतना भयंकर वाला क्रश था मुझे शाहिद कपूर पे. By the time of movie इश्को इश्क प्यार व्यार मुझे लगता है 80% लड़कियाँ इंडिया की पागल हो गई थी उस टाइम शाहिद कपूर पे and I was also one of them. Okay, so another question is my first ever cell phone. Okay, so my first ever cell phone was Samsung Champ. There was टू टाइनी, इतना छोटा सा होता था. मैंने वाइट कलर का लिया था. आई स्टिल रिमेंबर 4000 का वो फ़ोन था एंड आई स्पेंड माई फर्स्ट लाइक हार्ड अर्न मनी ऑन दैट फ़ोन एंड आई वाज सुपर हैप्पी दैट टाइम कि ओ माय गॉड आई गॉट माई फ़ोन. अदरवाइज उससे पहले आई यूज टू लाइक शेयर माई फ़ोन विद माई एल्डर सिस्टर एंड जैसे ही उसकी शादी लगी शी गॉट न्यू फ़ोन एंड आई वॉज लाइक ओ वाओ नाउ आई गॉट माई फ़ोन. सो या दैट वॉज माई फर्स्ट फ़ोन सैमसंग चैम्प एंड या नाउ आई एम नॉट यूजिंग सैमसंग एट all. Okay, no offense Samsung people, but yes. My first job ever or paycheck, first paycheck or first job. तो yeah, मेरी job से भी पहले मुझे पैसे मैंने कमाना शुरू कर दिया. लगाती थी मैं, so मेहंदी लगाती थी brides को and मुझे बहुत अच्छा लगता था because I was good in art, painting, मेहंदी and all that. So मुझे उससे पैसे मैंने earn किए थे. तो my first like proper if I talk about पैसा जो मैंने कमाया था around 1500 I got and I was super happy that time कि 1500 में like मैं पूरा जान जीत लूँगी kind of. So that was my first paycheck or first hard-earned money. Okay, so first tattoo, yeah. ये तो बहुत रिसेंट है यार, ये 2 साल पहले कराया है. ये फर्स्ट टैटू है एरोप्लेन एंड लॉट ऑफ पीपल लाइक इन माय फैमिली स्पेशली मुझे बोलते हैं ये क्या प्लेन बना के मतलब तूने क्या दिखाया है. सो आई वांट टू टेल देम दैट कि ये प्लेन बना के मैंने कुछ नहीं दिखाया. आई एम अ वंडरलस्ट गर्ल, आई लव ट्रैवलिंग, दैट्स व्हाई मैंने ये बनवाया है. ओके, फर्स्ट थिंग आई डू व्हेन आई गेट होम. ओके, सो आफ्टर वर्क व्हेन आई गेट होम सो सबसे फर्स्ट जो मैं करती हूँ वो मैं चेंज करती हूँ एंड अपना फेस जो है वो बहुत ही अच्छे से वॉश करती हूँ बिकॉज आई रियली केयर अबाउट माई स्किन एंड येस बाहर की डस्ट पोल्यूशन से थोड़ा सा भाग जाऊँ, इसलिए मेरा सबसे पहला काम होता है. चाहे मैं मूवी देख के आऊँ, चाहे मैं घूम के आऊँ, चाहे मैं ऑफिस से आऊँ, चाहे मैं शूट से आऊँ, कहीं से भी आऊँ, फर्स्ट जाती हूँ मेरे पीजेस पहनकर wash my face. Okay, so this is the first thing which I always do. Okay, so last more few questions like 2 questions और बचे हैं. So first time I ever got drunk. No, I never got drunk, guys. Can you believe me? Nobody will believe. But yes, I never got drunk and even ऐसा कभी भी नहीं हुआ है कि मैंने पी के ऐसे टल्ली हो गई हूँ types. Never happened yet. So ये question जो है वो no. Okay, so first concert I ever attended. So yeah. आप लोगों को बताऊंगी तो यू विल टेल कि हिमानी अपने आप को बड़ी संस्कारी बता रही है, बट नहीं गाइज ऐसा बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि मैं सच में आई एम द गर्ल जिसको घर में बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ, हम गुजराती लोग हैं तो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस होते हैं. मुझे जॉब करने मिला, मुझे आरजेइंग करने मिली, मुझे बहुत सारी ये सारी चीज़ें मेरे लिए एक लिबर्टी थी कि आई एम डूइंग समथिंग बाय माई ओन एंड सारी चीज़ें. अब तो टाइम बहुत चेंज हो गया बट दैट टाइम जब मैं मेरा करियर ग्रो करने पे था तब मुझे नहीं मिलती थी परमिशंस एंड मैं किसी कॉन्सर्ट में नहीं जाती थी बिकॉज मैं रायपुर में रहकर मैंने पढ़ाई की है, मैंने जॉब भी यहीं किया है. सो ऐसा कोई टाइम नहीं आया कि यहाँ पे कोई कॉन्सर्ट हो रहा है और अटेंड यहाँ तो कुछ हुआ नहीं. बट येस आई रिमेंबर कि आज से 2 साल पहले आई वेंट फॉर माई फर्स्ट लाइफ का फर्स्ट कॉन्सर्ट वॉज इन गोवा एंड दैट वॉज टाइम आउट एंड इट वॉज crazy and I have still regret that कि वो टाइम पे मैंने ना तो कोई फ़ोन मेरा साथ लेके गई थी because I want to enjoy that time like fullest. ओके सो वो गोवा में वो टाइम आउट कॉन्सर्ट था जो मैंने फर्स्ट एवर अपनी लाइफ में 2 साल पहले अटेंड किया था. इससे पहले नो कॉन्सर्ट, नो पार्टी, नथिंग. ओके सो दिस वाज अबाउट माय फर्स्ट. येस गाइज सो येस आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना इन द कमेंट सेक्शन. इस टाइप के फन वीडियो क्या मैं और करूँ, आपको अच्छा लगा तो ज़रूर बताना. लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो. ओके सॉरी फॉर दिस मेसी हेयर स्टाइल बिकॉज रायपुर का वेदर बहुत ज़्यादा रेनी हो गया है, आई जस्ट लव इट. बट येस, सो होप यू लाइक दिस वीडियो. इफ यू डिड देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. आई कम अप विथ न्यू वीडियो एवरी वीक, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो. टाटा, बाय बाय.